हाथ में गवर्नमेंट जॉब है ये सोचकर एमएस धोनी ने खड़गपुर स्टेशन से वो ट्रेन नहीं पकड़ी होती तो शायद ही आज कोई एमएस धोनी को जानता। दोस्तों आज मैं आपका रिस्क लेने का जो डर है उस डर को जड़ से हटा दूंगा। बस रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिरी एग्जांपल तक देखना। इस टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए मुझे बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था और उन्हीं के कहने पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इसमें मैंने मैक्सिमम बातें कवर की है और कई एग्जांपल्स भी दिए हैं। यकीन से कहता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और फिर भी पसंद नहीं आया तो बिंदास होकर डिसलाइक मार देना, पर पसंद आया तो अपना प्यार जरूर दिखाना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। रिस्क, आपके और आपके सपनों के बीच की इकलौती दीवार। दोस्तों अपने दिल पर हाथ रखकर खुद से एक बात पूछना कि जो भी जिंदगी तुम आज जी रहे हो क्या तुम उससे खुश हो? क्या तुम्हारे सारे सपने पूरे हो चुके? अगर इन सारे सवालों का जवाब हाँ है तो मैं बोलता हूं आपको रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं है। पर इसका जवाब ना है तो दोस्त तुम गलती कर रहे हो। तुम्हें रिस्क लेना होगा। हार भी गए तो एक सेटिस्फेक्शन तो होगा कि साला मैंने ट्राई तो किया, और अगर जीत गए तो तुम तुम्हारी ड्रीम लाइफ जियोगे। हम रिस्क लेने से डरते हैं हमारी निगेटिव सोच की वजह से। मतलब हम उस काम को करने से पहले ही ये सोच लेते हैं कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, और फेल होने का यही डर आपको एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी से ऑर्डिनरी इंसान बना देता है। दोस्तों बचपन में जब हम चलना सीख रहे थे तब हमने रिस्क लिया। पहली बार साइकिल सीख रहे थे तब भी हमने रिस्क लिया। पहली बार बाइक चलाना सीख रहे थे तब भी हमने रिस्क लिया। हम कई बार गिरे पर हमने गिव अप नहीं किया। इसका नतीजा ये हुआ कि हम ये सब चीजें सीख गए। दोस्तों कोई भी बच्चा पहली बार में चलना नहीं सीखता, कोई भी पहली बार में साइकिल चलाना नहीं सीखता, तो जिंदगी से हम क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि पहली ट्राई में हम सक्सेसफुल हो जाए? ये तो गलत है ना। सक्सेस के रास्ते में कई बार आप गिरोगे हारोगे, पर वापस उसी जोश के साथ खड़े होना जिस जोश के साथ हमने बचपन में चलना सीखा था। यकीन मानना यहां पर भी आप एक ना एक दिन सक्सेसफुल हो ही जाओगे। दोस्तों हमें रिस्क लेना होगा क्योंकि यही चीज हमारे लिए रास्ता बनाएगी जिससे कि हम हमारे सपनों तक पहुंच सकते हैं। जाने अनजाने में हमने आज तक बहुत सारी चीजों में रिस्क लिया है। कुछ चीजों में सक्सेस मिला तो कई बार हार का सामना भी करना पड़ा। पर दोस्तों अगर आज आप अपने सपनों के लिए रिस्क नहीं लोगे तो जब आप 60-70 के होंगे तब पछतावा करते बैठोगे कि काश उस टाइम पर अगर मैंने थोड़ी हिम्मत करके वो रिस्क लिया होता तो शायद आज लाइफ कुछ और होती। भले आप उसमें फेल हो गए होते पर आपके अंदर वो सेटिस्फेक्शन तो रहेगा कि एटलीस्ट मैंने वो ट्राई तो किया। दोस्तों शायद ये बातें अभी आपके लिए इतनी मायने नहीं रखेगी, पर किसी बुजुर्ग से ये बात जरूर पूछना, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। और दोस्तों रिस्क लेने का मतलब ये नहीं कि आप पहली अटेम्प्ट में सक्सेस को अपना गुलाम बना दोगे। ऐसे बहुत कम केसेस में होता है क्योंकि पहली बार अगर हम कोई काम करते हैं तो हमें उसका एक्सपीरियंस नहीं होता, बहुत सारी चीजें पता नहीं होती, और इसीलिए शुरुआत में कई बार फेलियर को भी एक्सेप्ट करना पड़ता है। पर दोस्त एक बार रिस्क लेने के बाद तुम्हारा काम है हिम्मत नहीं हारना, क्योंकि दुनिया का कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो कि सक्सेसफुल है पर कभी हारा नहीं है। क्योंकि दोस्तों हमें इन सक्सेसफुल लोगों की लाइफ का सिर्फ पॉजिटिव पार्ट पता होता है, उसके पीछे वो खुद कितनी बार फेल हुआ है, कितनी बार टूटा है, इस बात का हमें कोई अंदाजा नहीं होता। तो तुम्हारे लाइफ में भी रिस्क लेने के बाद अगर कोई फेलियर आ रहे हैं तो अपने आप को कोई अलग समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सक्सेस को पाने की अगर जिद तेरे अंदर है तो वो फेलियर्स भी तुम्हारा कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे, और एक दिन तुम भी इन लोगों के बीच अपना नाम लिखवाओगे। बहुत लोग ये कहकर अपने सपनों के लिए रिस्क नहीं लेते कि समय से पहले और किस्मत से ज्यादा किसको मिला है, पर ये लोग भूल जाते हैं कि अगर वो चाहे तो अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। हमारे आसपास के बहुत सारे लोग रिस्क लेने से पहले ही हमें डराने लगते हैं। हो सकता है उनका वैसा एक्सपीरियंस हो, पर ये जरूरी नहीं कि तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। मैंने कई बार ये बात सुनी है कि कई घर वाले उनके बच्चों को बिजनेस करने की परमिशन इसीलिए नहीं देते क्योंकि 25 साल पहले जब उन्होंने बिजनेस शुरू किया था तब वो फेल हो गए थे। यहाँ पर घर वालों का कंसर्न मैं समझता हूँ, पर मेरी इस बात को जरा गौर से सुनना जो भी मैं अभी बोलने जा रहा हूँ, और ये सब उन पेरेंट्स के लिए है। 25 साल पहले जब आपने वो काम शुरू किया था तब टाइम अलग था, मार्केट अलग था, आपके स्किल्स अलग थे, मार्केट की रिक्वायरमेंट्स भी अलग थी। पर अब टाइम चेंज हो चुका है, मार्केट की रिक्वायरमेंट्स अलग है और आपके बच्चे के स्किल्स भी अलग है, तो आपके उस एक बुरे एक्सपीरियंस की वजह से आप अपने बच्चों को क्यों रोक रहे हो? हो सकता है वो जो करना चाहता है वो अभी मार्केट की नीड हो और उसमें वो सारे स्किल्स हो जो कि उस बिजनेस को करने के लिए चाहिए। अगर इन दोनों बातों का जवाब हाँ है और फिर भी आप उसे रोक रहे हो तो आप गलती कर रहे हो, क्योंकि वो फेल होगा या सक्सेस होगा ये तो तभी पता चलेगा जब वो बंदा ट्राई करेगा। अगर फेल होने के डर से स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स के घर वालों ने उन्हें बिजनेस करने से मना किया होता तो क्या आज एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनीज होती? आई डोंट थिंक सो। क्योंकि जहां तक मेरी समझ है मैं सोचता हूं कि बिजनेस के लिए सिर्फ नॉलेज, पैसा और स्किल्स की जरूरत नहीं होती, इसके लिए और भी एक चीज की जरूरत पड़ती है और वो है फैमिली सपोर्ट। तो सारी फैमिली से एक रिक्वेस्ट है कि आप भी थोड़ी रिस्क ले और अपने बच्चों को उनके सपने पूरे करने के लिए उनको सपोर्ट करें, उनके साथ खड़े रहे। और जो भी ये वीडियो देख रहा है आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि ये वीडियो अपने फैमिलीज और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, शायद ये वीडियो उनकी भी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंज ला सके। और अब सबसे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, दोस्तों हमारा ऑफिशियल फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पेज शुरू हो चुका है जहां पर आपको डेली पावरफुल कोट्स और लाइफ चेंजिंग वीडियोस मिलेंगे।
तो हमें फॉलो करके आपका सपोर्ट और प्यार जरूर दिखाना, ताकि हम आपके लिए और अच्छे से अच्छा कंटेंट बना सके। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं हूँ आपका द विल पावर स्टार। मिलते हैं अगले वीडियो में।